So welcome to this math session, students. In this math session, we are going to start your third topic of chapter number 2, polynomial 10m 2.3. ये third topic में हम पढ़ने वाले हैं relation between zeros and coefficient of polynomials. And particularly ये relation हम पढ़ने वाले हैं quadratic equation के लिए ही. अब ये relation सिर्फ quadratic polynomial के लिए नहीं है, but ये cubic polynomial के लिए भी है. And उसके आगे के polynomial के लिए भी है, right? नो भावेश, राइट. ये सारी चीजें आपको फॉर्मूला बुक में ही लिखनी है प्रहलाद, ठीक है. तो अभी मैं आपको ये रिलेशन सिर्फ बता रहा हूँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए. फिर जैसे जैसे आप हायर स्टैंडर्ड्स में पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या रिलेशन, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन, वो सारी चीजें पता चलती जाएंगी, ठीक है. चलो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप ऑलरेडी देख चुके हो. हु विल टेल मी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोज मिल सकते हैं? हाउ मेनी मैक्सिमम जीरोज यू कैन गेट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? राइट. सो हाँ, यस, वास्तव आई विल चेक. अभी के लिए हम सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखेंगे. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो भी दो रूट्स हैं मैक्सिमम, या दो जीरोज हैं, आप इक्वेशन बोलोगे तो दो रूट्स हो जाएंगे, पॉलिनोमियल बोलोगे तो दो जीरोज हो जाएंगे. सो लेट टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax square plus bx plus c, where a is not equal to 0, are alpha and beta respectively, or only alpha and beta. मैं दो zeros को alpha और beta नाम दे रहा हूं. यहां तक क्लियर हुआ students? बोलो हाँ, quickly, ठीक है. चलो, अब जब मैं इनको alpha और beta नाम दे रहा हूं, यहाँ पे sum of roots और product of zeros के बीच में एक relation है. वो relation कहां से आया मैं आपको बताता हूँ. हम reverse process में जाएंगे, जैसे अभी Kahoot के लिए गए थे. सिंस अल्फा और बीटा उसके जीरोज हैं, तो एक्स इक्वल टू अल्फा एंड एक्स इक्वल टू बीटा जब मैं पॉलिनोमियल में रखूंगा तो मेरा आंसर जीरो आएगा. हाँ या ना एवरीवन? आपको याद है अभी हमने किया एक क्वेश्चन में, तो अल्फा जब लेफ्ट साइड पे जाएगा, बीटा जब लेफ्ट साइड पे जाएगा, वी कैन गेट एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो एंड एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो. एवरीवन प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, राइट. तो अगर मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए तो मैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को प्रोडक्ट कर दूंगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा जीरो हो जाएगा. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, यस और नो, राइट. अब जब x आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू सी. सो दिस विल बी योर एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अभी हमने देखी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. जब उसके जीरो फाइंड करने होते हैं तब मुझे उसको लिखना पड़ता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. यहाँ पे जो मेरी पॉलिनोमियल आई है उसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है. यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लाने के लिए मैं a से डिवाइड करूंगा. सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो. अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, समझो. अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है, सॉरी सी बाई ए, क्या ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है? हाँ या ना? एक पॉलिनोमियल आपको क्वेश्चन से दी गई है तो दूसरी पॉलिनोमियल आपने रूट से बनाई है. जब आप इनके कोएफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट दोनों में 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इट इज बी बाई ए. अल्फा इंटू बीटा वो कॉन्स्टेंट टर्म है, सी बाई ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है. सो आई कैन से दैट फ्रॉम हियर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और पर्टिकुलरली आई कैन से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए. इन अदर वर्ड्स आई कैन से इफ यू आर नोइंग रूट्स or zeros of quadratic polynomial, then you can have sum of roots and product of roots by this formula. Sum of roots will be equal to, or sum of zeros will be equal to minus b by a, and product of zeros will be c by a for quadratic polynomial. Is this clear, everyone? ये पता चला? एकदम आसान सा, छोटू सा, नन्ना सा, मुन्ना सा concept है. इस concept को लेके 2.3 का पूरा exercise हम करने वाले हैं, ठीक है? हाँ, यस यस कृतज्ञ, वो वाली फॉर्मूला से भी आप प्रूव कर सकते हो, राइट. माइनस बी प्लस और माइनस रूट डेल्टा बाई टू है, वही बोल रहे हो ना कृतज्ञ, राइट. तो पूरा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो जाएगा. चलो, यहां तक कोई डाउट? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ओके प्रज्वल, मैं एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है. लेट मी एक्सप्लेन दिस वन मोर टाइम, एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूँ. हाँ, स्कूल में शायद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दी गई होगी, रीजन नहीं बताया होगा. मैंने आपको रीजन भी पूरा बताया कि इसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है. मैं वापस समझाता हूँ, अगर रीजन में आपको पता नहीं चल रहा है नो इश्यू, आप रीजन को स्किप कर सकते हो. अल्टीमेटली आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखनी है. चलो,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म आपको पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आई एम राइटिंग हियर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जहां पे कंडीशन भी आपको पता है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होंगे मैक्सिमम, वो दो जीरोज को मैं नाम दे रहा हूँ अल्फा और बीटा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप पी एन क्यू नाम भी दे सकते हो। जनरली हम अल्फा बीटा क्यू नाम देते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम एबीसी सिंबल्स ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, दैट इज अवर इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो ग्रीक अल्फाबेट्स हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसमें रूट्स में। तो अब आपका एक रूट हो गया अल्फा, या एक जीरो हो गया अल्फा, एक जीरो हो गया बीटा। इसका मतलब क्या, जब आप एक्स इक्वल टू अल्फा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे ये जीरो हो जाएगा, एक्स इक्वल टू बीटा सब्स्टिट्यूट करोगे ये जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल टू अल्फा इसका जीरो है, तो अल्फा जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा एक्स माइनस अल्फा विल बी जीरो और नॉट, सेम ईयर एक्स माइनस बीटा विल बी जीरो और नॉट, राइट। जब आप एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को मल्टीप्लाई करोगे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा विल बी जीरो, यस और नॉट। व्हेन यू विल सिंप्लीफाई दिस, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे एक्स इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू जीरो। अब हमारी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जब उसके जीरो फाइंड करने होते हैं हम इसको इक्वल टू जीरो लेते हैं। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट वन है, मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है, तो ये पूरी पॉलिनोमियल को मैंने ए से डिवाइड कर दिया, दिस केम इज एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। जब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया आई गॉट माइनस अल्फा प्लस बीटा एस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा एस सी बाई ए, सो इफ आई सिंप्लीफाई आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इज दिस क्लियर एवरी वन, आसान है हा या ना, सबको क्लियर हुआ, राइट। सो अल्टीमेटली आपको बस यही याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बीटा बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ए, दैट्स इट। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। यहां तक क्लियर है एवरीवन? ओके, यू कैन टेल मी यस अगर यहां तक क्लियर है तो, ठीक है। प्रहलाद, हमने मल्टीप्लाई नहीं किया है, जो हमने सिंप्लीफाई किया है उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन आया है। अच्छा, आप पूछ रहे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक फाइंड करने के लिए, जब दो लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई होते हैं तो हमें क्वाड्रेटिक मिलता है। ओके सर, हाँ यस सृष्टि सर, वो अल्फा बी के बगल में क्या है सर, वो बीटा, अल्फा एंड बीटा, एंड अल्फा एंड बीटा, वो सर वो जो बॉक्स लगाया ना हाईलाइट किया है, ये अल्फा इनटू बीटा या अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई। आपको कहाँ पे डाउट है सृष्टि? से पता चल गया। ओके, एनी अदर डाउट्स एनीवन?